नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्व मित्र। आज का मसला आपको जरूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए और शेयर भी कीजिएगा। मसला यह है कि क्या कोई इंसान दूसरों के लिए, दूसरों को खाना खिलाने के लिए अपनी पूरी जायदाद बेच देता है? जी हां, एक शख्स ने अपनी 36 एकड़ जमीन, 16 मरले की एक कोठी चंडीगढ़ में, दो शोरूम और एक कोल्ड स्टोर बेच दिया दूसरों को लंगर खिलाने के लिए। आपको पता चल गया होगा, जिनको लंगर बाबा के नाम से जाना जाता है, जगदीश लाल आहूजा जी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। एक दिन पहले ही उन्होंने आखिरी सांस ली, लेकिन आखिरी बार भी वो ये कहकर गए कि लंगर नहीं रुकना चाहिए। जो लोग भी चंडीगढ़ आते थे, खासकर इलाज करवाने के लिए पीजीआई चंडीगढ़ में, दूसरा बड़ा अस्पताल 32 का, तो उनको बाहर लंगर मिलता था। जगदीश लाल आहूजा जी पिछले 37 सालों से लंगर चला रहे थे वहां पर, और 37 सालों में उन्होंने अपनी पूरी जायदाद तकरीबन बेच दी ताकि कोई भूखा ना रहे। जो दूर दूर से इलाज करवाने के लिए चंडीगढ़ आते थे पीजीआई में, सेक्टर 32 में, उनको खाना मिले, उनके घर वालों को खाना मिले, इसलिए जगदीश लाल आहूजा जी लंगर चला रहे थे पिछले 37 सालों में, और इस नेक काम के लिए उनको पद्मश्री भी मिला था। है ना बड़े कमाल की बात? है कोई आज इस दुनिया में ऐसा? अदरवाइज हम देखते हैं कि लूट मची हुई है, लोग और इकट्ठा करना चाहते हैं, और जमीन जायदाद बनाने की होड़ लगी हुई है, फार्म हाउस बनाने की होड़ लगी हुई है, कैसी कैसी होड़ लगी हुई है। इतना लालच बढ़ गया है दुनिया में हर किसी, लेकिन जगदीश लाल आहूजा जैसे इंसान बहुत विरले हैं दुनिया में कि अपनी इतनी जायदाद बेच दी दूसरों को लंगर खिलाने के लिए। दरअसल उनको ये प्रेरणा उनकी दादी से मिली थी। उनकी दादी पाकिस्तान में लंगर लगाया करती थी, पाकिस्तान के पेशावर शहर में। उनका नाम था दादी माई गुलाबो, उनसे प्रेरणा मिली थी। और आज से 37 साल पहले आहूजा साहब ने अपने बेटे के जन्मदिन पर 1984 में लंगर शुरू किया था पीजीआई के बाहर से। वो कारवा बढ़ता गया, इतनी लंबी लाइन लग जाती थी वहां पर, लेकिन लंगर कभी रुका नहीं आहूजा साहब का, लंगर आगे बढ़ता ही गया। और जैसा हमने आपको बताया कि अपनी पूरी जायदाद इसके लिए लगा दी। ऐसे लोग बहुत कम हैं, और ऐसे लोगों की वजह से ही ये दुनिया चल रही है, ये देश चल रहा है। और लंगर की जो ये परंपरा है, ये पूरी दुनिया में इंडियंस की वजह से, कुछ खास लोगों की वजह से ये फेमस है, ये जो लंगर लगाने की व्यवस्था है। और किसान आंदोलन में भी आपने देखा होगा, लंगर की जो व्यवस्था पिछले एक साल से चल रही है दिल्ली के बॉर्डर्स पर, तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सेवा भाव रखते हैं, जो लंगर लगाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। सो दोस्तों, वैसे तो हम बहुत मसले करते हैं, लेकिन ये वाला मसला खास है। हम उस शख्स को याद कर रहे हैं जिसने जिंदगी के इतने साल लगा दिए दूसरों को लंगर खिलाने के लिए, और अपनी पूरी जायदाद को बेच डाला। आपको भी याद करना चाहिए, दुआएं देनी चाहिए उनके परिवार को कि जो ऐसा कर गए, ताकि ये लंगर हमेशा चलता रहे। ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए आपको, जो समाज के लिए करते हैं, गरीब तबके के लिए करते हैं, और अपना दांव पे लगा देते हैं अपनी जमीन जायदाद को। इसलिए आज का ये मसला हम पद्मश्री जगदीश लाल आहूजा जी को ट्रिब्यूट करते हैं।
श्रद्धांजलि देते हैं, और आप भी दीजिएगा कमेंट करके इस मसले पर, आप भी उन्हें श्रद्धांजलि दीजिएगा जो इतना बड़ा नेक काम कर गए। इस मसले को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके भी आप श्रद्धांजलि दीजिएगा ताकि तमाम लोगों तक पहुँचे और उनको पता चले कि ऐसे भी शख्स होते हैं दुनिया में। और अगर आप चाहते हैं कि सही रिपोर्ट्स आप लोगों तक पहुँचे किसी भी बड़े मसले की, तो फिर आपने इस चैनल को, द मसला को, लाइक सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करना है यूट्यूब और फेसबुक पर, ताकि जो हमारी अगली वीडियो होगी, अगला मसला होगा, वो आप सब लोगों तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।